अब बच्चों मैं आप लोगों को व्याकरण के बारे में पढ़ाने जा रहा हूँ। व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा हम शुद्ध शुद्ध बोलना और लिखना सीखते हैं। यह भाषा के लिए बहुत ही आवश्यक है व्याकरण का ज्ञान होना। बिना व्याकरण का ज्ञान की ना तो हम शुद्ध बोल सकते हैं ना तो हम शुद्ध लिख सकते हैं। हमारे बोलने और लिखने दोनों में ही अशुद्धियां उत्पन्न होगी, इसलिए शुद्ध शुद्ध लिखना और शुद्ध शुद्ध बोलने के लिए व्याकरण का ज्ञान होना लाजमी है। अब व्याकरण की चार भाग हैं। प्रथम वर्ण विचार, जिसके अंतर्गत इस अंग में वर्णों के स्वरूप भेद विचार और आदि के बारे में विचार किया जाता है कि वर्ण का स्वरूप क्या है, किस वर्ण की कौन से भेद हैं एवं वर्ण का प्रकार क्या है। वर्ण संबंधित बातों की जानकारी हमें वर्ण विचार से प्राप्त होता है। अब है शब्द विचार, इसके अंतर्गत शब्द के स्वरूप, शब्द के भेद, शब्द किस प्रकार के हैं, स्त्रीलिंग है अथवा पुल्लिंग है, जब किस प्रकार के शब्द का स्वरूप कैसा है उनके बारे में एवं शब्द किस के वचन क्या हैं, एक वचन है अथवा बहुवचन है, इन बातों की जानकारी हमें शब्द विचार के द्वारा प्राप्त होता है बच्चों। तीसरा है वाक्य विचार, इस अंग में वाक्य की रचना, वाक्य के भेद और उन वाक्य में प्रयोग होने वाले विराम चिन्ह के बारे में जानकारी मिलती है। अगर आप वाक्य का निर्माण कर रहे हैं, वाक्य किस प्रकार का है, सार्थक है कि आज्ञावाचक है कि प्रश्नवाचक है, इनकी जानकारी और उस वाक्य में होने वाले विराम चिन्ह का प्रयोग जैसे बातों की जानकारी वाक्य विचार से प्राप्त होता है। चौथा है पद विचार, पद विचार के अंतर्गत संज्ञा, सर्वनाम आदि पदों के स्वरूप तथा प्रयोग पर विचार किया जाता है। जैसे अपना काम स्वयं पूरा करना चाहिए, अपना अध्ययन स्वयं करके संपूर्ण रूप से पूरा करना चाहिए, इसमें स्वयं निजवाचक सर्वनाम है बच्चों। लोकोक्ति में भी कहा जाता है कि आप भला तो जग भला, आपका मतलब होता है तुम, मध्यम पुरुष जो हम पद विचार के अंतर्गत जानकारी प्राप्त करते हैं। धन्यवाद बच्चों। अब आप इस पाठ का प्रश्नोत्तर शुरू करेंगे। ये प्रश्नोत्तर है, ये जहां धन्यवाद बच्चों।